डेलिकेसीज ऑन द प्लेट में आपका स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी गुड़ का पराठा। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होता है, इसे नाश्ते में कभी कभार खाएं। रोज के पराठे से थोड़े से चेंज के लिए तो यहाँ पर मैंने एक बोल व्हीट फ्लार यानी कि आटा लिया है, एक आधा बोल गुड़ है ऑर्गेनिक गुड़ है, 1 बड़ा चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक, आधा छोटा चम्मच इलायची का पाउडर, 2 बड़े चम्मच रवा। रवा से अच्छा कुरकुरापन मिलता है पराठे को। आप अदरक की जगह आधा छोटा चम्मच सौंठ का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा तेल और पानी से मैं आटा और रवा को मिक्स करके उसका एक एकदम सॉफ्ट आटा बना लूँगी, गूथ लूँगी उसे। तो यहाँ पर मैं करीब 2 बड़े चम्मच पानी डालकर गुड़ में इसे थोड़ा सा गर्म कर लूँगी जिससे कि ये सॉफ्ट हो जाए। इसे थोड़ा सा इस तरह से चम्मच की सहायता से मैश कर लें और फिर इसमें मैं डाल दूंगी कद्दूकस किया हुआ अदरक और इलायची। सॉफ्ट हो जाने से और थोड़ी सी नमी से आप गुड़ को अच्छे से पराठे में स्टफ़ कर सकेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने अदरक और इलायची डाल दिया है, इसे अच्छे से मिक्स कर लें। तो हमारा गुड़ का मिक्सचर यहाँ पर तैयार हो गया है। आप और इसको फ्लेवरफुल बनाने के लिए थोड़ा सा कद्दूकस किया हुआ नारियल भी डाल सकते हैं, तो इससे ये पराठा और टेस्टी हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा गुड़ का मिक्सचर तैयार है। अब यहाँ पर मैंने बोल में आटा ले लिया है, इसमें मैं डाल दूंगी ये रवा, करीब 2 बड़े चम्मच तेल और पानी डालकर इसे एकदम सॉफ्ट आटे की तरह गूंथ लें। बहुत सख्त आटा बिल्कुल न रखें। स्टफ्ड पराठे का आटा एकदम सॉफ्ट होता है ताकि ये अच्छे से स्ट्रेच हो, अच्छे से फैले और स्टफिंग इसमें से बाहर ना निकले। ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आटा तैयार है। अब हम बनाएंगे स्टफ्ड गुड़ पराठा, जिसके लिए मैं इस आटे को छोटे छोटे गोले में काट कर अलग कर लूँगी कुछ इस तरह से। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा गुड़ का मिक्सचर ठंडा होने के बाद अभी भी काफ़ी मॉइस्ट है। यहाँ पर मैंने एक आटे का पेड़ा ले लिया है, इसे इस तरह से डस्ट करके फैला लें और फिर इसमें मैं ये गुड़ का मिक्सचर डाल दूंगी। अच्छी क्वांटिटी में आप भरें। इस बात का ध्यान ज़रूर रखें कि बिल्कुल भी ये कम ना हो या बहुत ज़्यादा भी ना हो, नहीं तो फिर ये बाहर निकल सकते हैं। और अब इस तरह से चारों तरफ से किनारों को लाके अच्छे से गुड़ को अंदर से स्टफ कर लें। तो चारों तरफ से यहाँ पर मैंने सील करके स्टफ करके हथेली की सहायता से इसे इस तरह से प्रेस कर करके थोड़ा सा फैला लें। अगर तुरंत बेलन लगाएंगे तो गुड़ का स्टफिंग जो होता है तुरंत ही बाहर निकलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और फिर इसे थोड़ा सा डस्ट करके बेलन की सहायता से इस तरह से बेल लें किसी भी स्टफ्ड पराठे की तरह। अब यहाँ पर पैन हमारा गरम है तो इस पर मैं ये पराठा डालकर एक तरफ से हल्का सुनहरा होने तक सेक लूँगी। इसे रोस्ट कर लें। जैसे ही एक तरफ से थोड़ा सा सिक जाएगा तो दूसरी तरफ से पराठे का रंग बदलने लगता है। पलट कर इसे ऊपर से तेल लगा लें जब तक कि दूसरा हिस्सा रोस्ट हो रहा है। फिर पलट कर दूसरी तरफ भी फिर से तेल लगाकर अच्छे से ग्रीस कर लें और फिर पलट पलट कर दोनों तरफ से सुनहरा भूरा होने तक सेक लें। पराठा अच्छा वही होता है जो अच्छे से फूले सेकने पर। तो जिससे पता चलता है कि पराठे में स्टफिंग बहुत अच्छी है। सेकते वक्त थोड़ा सा गुड़ हो सकता है कि जो छोटे छोटे इसमें होल्स बन जाते हैं उससे बाहर निकले, लेकिन उसका जो कैरेमलाइज्ड फ्लेवर है बहुत अच्छा आता है पराठे में। तो इसी तरह से इसे दोनों तरफ से सुनहरा भूरा होने तक सेक लें और फिर इसे दही के साथ सर्व करें या इसे ऐसे भी इसका आनंद उठा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा गुड़ का पराठा बनकर तैयार है।
अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए और सब्सक्राइब करिए इस तरह के और बहुत सारी टेस्टी और इजी रेसिपीज़ के लिए। बेल बटन दबाना ना भूलें ताकि आपको आगे आने वाले सारे वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा।